नॉर्टन रेसिडेंसी का एक हिस्सा मजीद आगे बढ़ाया गया है जिसका नाम टाइटेनियम है। टाइटेनियम ब्लॉक का जो कवर्ड एरिया है बाउंड्री वॉल सोसाइटी जो है वो 65 एकड़ है। इस रोड की दोनों साइड पे कमर्शियल पट्टी है और ये रोड सीधा आगे तक चला जाता है, यानी कि दोनों साइड पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी उनके नीचे शॉप्स होंगी। टेम्प्रेरी गेट है, एक्चुअल गेट जो है वो आप उस साइड पे देख सकते हैं कि वो बन रहा है और ये गेट बहुत ज़बरदस्त सा बन रहा है। जब ये वो वाला गेट बन जाएगा तो ये जो टेम्प्रेरी गेट बनाया गया है ये यकीनन बंद कर दिया जाएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेवरेज की मेन लाइन है उस पर काम प्रॉपरली शुरू हो चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजा इस्वानी, उम्मीद आप लोग कैरियर होंगे। विवस नॉट ऑन रेजिडेंसी फेज़ वन पे बहुत सारी वीडियोस की हैं। नॉट ऑन रेजिडेंसी चूँकि पूरा सोल्ड आउट हो गया था तो यूँ समझ लें कि नॉट ऑन रेजिडेंसी का एक हिस्सा मजीद आगे बढ़ाया गया है जिसका नाम टाइटेनियम है। टाइटेनियम ब्लॉक का जो कवर्ड एरिया है बाउंड्री वॉल सोसाइटी जो है वो 65 एकड़ है, यानी कि 65 एकड़ है पूरा टोटल कवर्ड एरिया। बाउंड्री वॉल सोसाइटी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बहुत शानदार सा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसकी लोकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो ये वो वाला रोड है जो कि 300 फीट चौड़ा रोड है। ये 4K चौरंगी से स्ट्रेट अगर आप आ जाएँ तो जो ग्रीन लाइन बस का स्टॉप है लास्ट स्टॉप जो है उससे सीधा अंदर आता है। बीच में अगर आप सामने वाली पट्टी में चले जाएं तो वहाँ पर फेज़ 3 आ जाता है। यही रोड स्टेट अगर आप उस साइड पे चले जाएं तो ये फेज़ 2 की तरफ चला जाता है। बीच में ये टाइटेनियम ब्लॉक है। व्यूअर, इसमें से 25 एकड़ पर इस वक्त काम हो रहा है और ये काम जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और ज़ाहिर है कि जैसे ये काम बढ़ता चला जाएगा तो जो पूरा 65 एकड़ का पूरा टोटल कवर्ड एरिया है उस पर भी काम शुरू हो चुका होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें व्यूअर्स जो मेन गेट है उस पर काम शुरू हुआ था और मैं खासे टाइम के बाद आई हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं टाइटेनियम ब्लॉक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही थी कि मैं इस साइट पे नहीं आ सका। लेकिन आज खास तौर पे मैं टाइटेनियम ब्लॉक पे मौजूद हूँ और आपके लिए यहाँ की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आ जाए मेरे साथ। टेम्प्रेरी गेट है, एक्चुअल गेट जो है वो आप उस साइड पे देख सकते हैं कि वो बन रहा है और ये गेट बहुत ज़बरदस्त सा बन रहा है। जब ये वो वाला गेट बन जाएगा तो ये जो टेम्प्रेरी गेट बनाया गया है ये यकीनन बंद कर दिया जाएगा और मेन गेट का इस्तेमाल जिस तरह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में गेट बाकायदा तौर पर बनाए जाते हैं उस तरह ये खूबसूरत सा गेट बन रहा है। अभी मैं वहाँ पर भी चलूँगा, वहाँ चल के आपके साथ उस गेट को भी दिखलाऊँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है और मस्जिद जो है वो भी जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं नुमाया थी, लेकिन इस वक्त बहुत नुमाया। हम गेट की तरफ चलते हैं, गेट की जो इस वक्त गेट की कंडीशन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाए। अच्छा, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गेट के सामने। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि गेट बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। इस पर अगर मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करूँ कि आप देखें कि इसमें जो ब्लॉक जो कट करके लगाएं ग्रे ब्लैक, बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना हुआ है और उस साइड पे भी देखें आप, ये गेट का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा बनाया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्टाइल गेट का बन रहा है और जब ये गेट कम्प्लीट हो जाएगा तो व्यूअर्स बहुत शानदार सा गेट है ये और बीच में एक चौकी बनाई गई है जिसके अंदर जाहिर सी बात है चेकिंग के लिए रोका जाएगा लोगों को कि उनकी शिनाख्त होगी, फिर वो अंदर जाएंगे, जो एक GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का अपना एक तरीक़ाकार है कि बगैर शिनाख्त के कोई बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स आगे चलते हैं, आगे चल के जो मजीद काम की जो इस वक्त कंडीशन है अपडेट के हवाले से, यानी कि डेवलपमेंट के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आ जाए। अच्छा, ये वो जगह है व्यूअर्स जो कि टाइटेनियम ब्लॉक की कमर्शियल पट्टी कहलाती है। इसकी दोनों साइड पे, इस रोड की दोनों साइड पे कमर्शियल पट्टी है और ये रोड सीधा आगे तक चला जाता है, यानी कि दोनों साइड पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी उनके नीचे शॉप्स होंगी और जाहिर सी बात है जब इर्द गिर्द की आबादी यहाँ पर आबाद हो जाएगी तो उनके लिए तमाम ज़िंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद होगी। ये है कमर्शियल पट्टी जो कि बीच में है। शुरू में जहाँ से मेन गेट है उसके फ़ौरन
कारण बात का ये पोर्शन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेवरेज की मेन लाइन है उस पर काम प्रॉपरली शुरू हो चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। पाइप्स लाइन रखी हुई हैं और अब जी से 5 मिनट पहले तक यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन इस वक्त 1:15 बज चुके हैं। ज़ाहिर है दोपहर का वक्त, ये लंच टाइम होता है, तो काम फ़िलहाल रोका गया है। हमारे सामने यहाँ मज़दूर काम कर रहे थे और अब वो लंच के बाद दोबारा यहाँ पे काम शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अपडेट के हवाले से जो टाइटेनियम ब्लॉक है उस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। जो रोड्स हैं अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर और प्लाटों के दरमियान के जो रोड्स हैं वो भी लेवल कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो उस पर जो रोड का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ये काम भी आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से शुरू होगा। जिस तरह ये बहुत खूबसूरत सा गेट बनाया गया है, मस्जिद बनेगी और इस तरह बीच में जो पार्क्स हैं वो भी उसी तरह जिस तरह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बहुत खूबसूरत से पार्क बनाए जाते हैं, वो पार्क्स भी इसमें मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा पुरसकून माहौल है यहाँ का टाइटेनियम ब्लॉक का। यहाँ पर 80 और 120 गज के प्लॉट्स हैं। तो व्यूअर्स, ये अपडेट थी टाइटेनियम ब्लॉक की। ये मैंने ख़ास तौर पर उन मेरे देखने वालों के लिए बनाई है यहाँ की वीडियो, जो बार बार मुझे कमेंट्स करते हैं कि टाइटेनियम ब्लॉक के ऊपर कोई वीडियो बनाए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है टाइटेनियम ब्लॉक की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दिल जवाब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्वानी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।